देश के इतिहास में ये पहली बार है कि आपकी फटफटिया को चलाने वाला तेल हवाई जहाज उड़ाने वाले तेल से महंगा है। आपकी फटफटिया जिस पेट्रोल से चलती है उसकी कीमत 100 रुपए से 110 रुपए है और हवाई जहाज में पड़ने वाले तेल की कीमत 80 रुपए। इतिहास में पहली बार देश के भीतर महंगाई की उल्टी गंगा बह रही है। अमीरों का तेल सस्ता और आम आदमी का तेल महंगा। और ये क्यों है? क्योंकि आपसे वैक्सीन के दाम वसूले जा रहे हैं, आपसे फ्री राशन के दाम वसूले जा रहे हैं, आपसे किसानों को दिए जाने वाले 6,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। सरकार फ्री फ्री का गीत गाकर अपना मुखड़ा चमका रही है, किसानों को बता रही है कि तुमको 6,000 फ्री दे रहे हैं, गरीबों को बता रही है कि तुमको अनाज फ्री दिया जा रहा है, फ्री वैक्सीन का डंका पीट रहे हैं, दीवारों पर फ्री के लिए धन्यवाद लिखा जा रहा है। अरे काहे का धन्यवाद, कुछ मुफ्त नहीं है, आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, मूर्ख। 1200-1400 की वैक्सीन के दाम है, ज्यादा से ज्यादा 3,000 रुपए में आपको दोनों वैक्सीन आराम से लग जाती, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर आपका खून रोज चूसा जा रहा है। जहाज उड़ाने वाले तेल से 30 रुपए महंगा तेल आपको सीधा सीधा बेचा जा रहा है और बीजेपी के लोग इस बात को मानते भी हैं। मनोज तिवारी को सुनिए, पूरी क्रोनोलॉजी आपको आराम से समझ में आ जाएगी। आप देखिए, आपके घर में भी लोगों को वैक्सीन लगा होगा, किसी को पैसा नहीं देना पड़ा होगा। एक वैक्सीन का डोज 550 रुपए का सरकार को पड़ रहा है, तो एक परिवार में अगर सोचिए 5 आदमी होगा तो 3,000 रुपया सरकार ने दिया। अब सरकार भी करती है तो कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करके ही करेगी। उधर फ्री का ठप्पा लगाकर जनता के ऊपर एहसान दिखा रहे हैं, इधर दाम बढ़ा बढ़ा करके खून चूस रहे हैं। कुछ फ्री नहीं है, हर चीज की कीमत सरकार आपसे वसूल रही है। जहाज का तेल पेट्रोल से सस्ता है, सोचिए जनता से वसूली का धंधा कितना चोखा चल रहा है। 30 रुपए हर लीटर पर आपसे देश के नाम पर, वैक्सीन के नाम पर, फ्री अनाज के नाम पर, किसानों के नाम पर वसूल रही है सरकार। दूसरी तरफ मुफ्त का गीत गा रहे हैं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू है और सिर कढ़ाई में। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में जा सके, इस सोच के साथ उड़ान योजना चलाई जा रही है। ये हवाई जहाज और हवाई चप्पल वाली बात टोटल जुमला निकली। चप्पल वाले को जहाज में बिठाना तो दूर, जहाज ही बिक गए। सुनते चलिए, जल्दी जल्दी सुनिए, फिर आगे बहुत लंबी बात करेंगे। ये महंगाई की भी बात सुनिए, कोई आम आदमी ऐसे डींगे हाँकता तो आज खुद की शक्ल आईने में देख ही नहीं पाता, लेकिन ये नेतागिरी है। सुनिए प्रवचन, सुनिए मम्मी कसम, दुग्गल साहब के किरदार को मात ना दे दें तो कहिएगा। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के नेता भाषण करते हैं, आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। ये वाला भी सुनिए, और भी अल्टीमेट है। मोदी जी ये सब प्रधानमंत्री के लिए बोलते थे, लेकिन जब जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया तो मोदी जी दुग्गल साहब हो गए। अब ऐसा लगता है जैसे वो भारत के नहीं होनोलुलु के प्रधानमंत्री हों। दूसरों को ज्ञान देते थे, इसका मतलब मोदी जी के पास पर्याप्त ज्ञान है, लेकिन फिर भी सरकार बनने के बाद अप्लाई नहीं कर पा रहे। और सुनिए, सुनते चलिए, ये बेचने बाचने वाली बातें सुनिए। बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं? हाँ मैंने कसम उठाई है, हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मोदी जी जब देश नहीं बिकने दूंगा वाली बात कह रहे थे तो कोई झोला लेकर देश के बाहर खड़ा तो था नहीं, खुद से आकर बताते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, नो नो नो, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं बिकने दूंगा। ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस रजिस्ट्री के पेपर लेकर वाघा बॉर्डर पर खड़ी हो। लेकिन जब मोदी जी को देश नामक दुकान सौंपी गई तो सैटरडे सेल चालू कर दी।
देश की कौन कौन सी सरकारी कंपनियां बिक गई, कौन कौन से विभाग बिक गए या मोनेटाइज हो गए, मतलब गिरवी हो गए, और कौन कौन से फॉर सेल के लिए लाइन में खड़े हैं, उसकी जानकारी के लिए गूगल कर लीजिएगा। अगर अभी बताने बैठूंगी तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। ये देखिए, ये लोग सिलेंडर लेकर गरबा कर रहे हैं। यही हाल रहा तो सिलेंडर म्यूजियम में रखवाना पड़ेगा और पेट्रोल डीजल को दुर्लभ तरल पदार्थ घोषित कर देना पड़ेगा। देश देश कहकर सरकार बनाने वाली बीजेपी के राज में देश भुखमरी से जूझते देशों की कतार में 101वें नंबर पर है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से भी गए गुजरे हैं। फ्री राशन देकर झोले पर चेहरा चमकाने वाले मोदी जी देश को भुखमरों की सूची से भी नहीं निकाल पाए। विश्वगुरु बनने की जगह गुरु घंटाल बन गए। मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता दिया। भाषणों के और झूठ गिनाऊंगी तो सबेरा हो जाएगा। काला धन 15-15 लाख तक जाऊंगी तो बात और आगे बढ़ जाएगी। जीडीपी इन्फ्लेशन तक जाऊंगी तो जवाब देते नहीं बनेगा। आम आदमी की फटफटिया का तेल जहाज में पड़ने वाले उन्नत तेल से भी ज्यादा महंगा करके सरकार ने यह बता दिया है कि यह नए भारत का वसूली काल चल रहा है। इतनी वसूली अंग्रेज भी नहीं कर पाए होंगे जितनी नए भारत की सरकार कर रही है। राष्ट्रवाद की नांद में गोते लगाते रहिए, हिंदू मुसलमान करते रहिए, क्योंकि आपकी जेब पर डाका तभी तक संभव है जब तक आप हिंदू मुसलमान वाला चूरन चाटते रहेंगे। तो चाटते रहिए। जेट इंजन 12 लीटर प्रति किलोमीटर का माइलेज देता है।